हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे हिंदी चैनल में स्वागत है। तो आज मैं आप सभी के साथ इस वीडियो में एक हेयर ऑयल की होम रेमेडी शेयर करने वाली हूं, जो आपके हेयर लॉस, हेयर फॉल, बालनेस और हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम्स को कुछ दिनों में सॉल्व कर देगा और आपके बालों को लॉन्ग, स्ट्रॉन्ग, शाइनी और हेल्दी बनाएगा। ये होममेड हेयर ऑयल बहुत ज्यादा इफेक्टिव है और ये सिर्फ नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना है। और अगर आप इस हेयर ऑयल को लगातार लगाएंगे तो सिर्फ आपको 15 से 20 दिन में अपने बालों में फर्क दिखना शुरू हो जाएगा और आपके बाल पहले से बहुत ज्यादा लॉन्ग, स्ट्रॉन्ग, शाइनी और हेल्दी बन जाएंगे। तो चलिए अब देखते हैं कि इस हेयर ऑयल को बनाने के लिए हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है। तो सबसे पहला इंग्रेडिएंट जो हमें चाहिए वो है एक बारीक कटी हुई प्याज, फिर हमें चाहिए 2 बारीक कटे हुए आंवला, उसके बाद हमें चाहिए 4 से 5 बारीक कटे हुए गार्लिक क्लोव्स या लहसुन, फिर हमें चाहिए करी लीव्स या कड़ी पत्ता और लास्ट में हमें चाहिए नारियल का तेल। तो अब इस हेयर ऑयल को बनाने के लिए आप सबसे पहले एक पैन में 1 कटोरी नारियल का तेल डालिए, फिर उसके अंदर आप 1 बारीक कटी हुई प्याज डालिए, फिर 2 बारीक कटे हुए आंवला, उसके बाद लहसुन और कड़ी पत्ता डालिए, फिर सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लीजिए और उसको धीमी आंच में 10 से 15 मिनट के लिए पकाइए। और 10 से 15 मिनट के बाद आपके इंग्रेडिएंट्स हल्के से ब्राउन होने लग जाएंगे और जब ऐसा हो जाए तो आप अपनी गैस बंद कर दीजिए और इस मिक्सचर को ठंडे होने के लिए 10 से 15 मिनट के लिए और रख दीजिए। और इस मिक्सचर के ठंडे होने के बाद आप इसे किसी छन्नी की मदद से छान लीजिए और अच्छे से छानने के बाद आपका होममेड हेयर ऑयल तैयार है और वो कुछ इस तरह दिखेगा। इस होममेड हेयर ऑयल को यूज करना भी बहुत इजी है। आपको हर बार इस ऑयल को यूज करने से पहले थोड़ा सा गर्म करना पड़ेगा ताकि इसका आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिले। और हल्का सा गर्म करने के बाद आप इस हेयर ऑयल को अपने हेयर स्कैल्प और हेयर लेंथ पर अप्लाई करिए और 10 से 15 मिनट के लिए अच्छे से मसाज कीजिए। और अच्छे से मसाज करने के बाद आप इसे ऐसे ही रात भर के लिए छोड़ दीजिए और फिर सुबह उठ के अपने बालों को आप नॉर्मल पानी से धो लीजिए। और अगर आप इस हेयर ऑयल से बेस्ट रिजल्ट्स चाहते हैं तो आपको ये हेयर ऑयल हफ्ते में 2 से 3 बार यूज करना चाहिए। और आप इस हेयर ऑयल को फ्यूचर यूज के लिए किसी एयर टाइट कंटेनर में 3 से 4 महीने के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं फ्यूचर में बहुत सारी इजी और इफेक्टिव होम रेमेडीज देखने के लिए।